हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है। जब माँ बनने वाली होती है वह, तो उसके सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि वो किसकी माँ बनने वाली है, बेटे की या बेटी की। हालांकि उनके मन में कोई पक्षपात नहीं होता है। आज जमाना बहुत आगे निकल गया, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन उनके मन में एक उत्सुकता रहती है यह जानने की कि आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी। यदि आपके भी मन में यह जानने की उत्सुकता रहती है, तो चलिए मैं आपको कुछ लक्षण बताती हूँ, जिससे आप कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक, गर्भ में यदि बच्चे की हलचल शुरू जल्दी हो जाती है, यानी गर्भ में यदि बच्चे की हलचल जल्दी शुरू हो जाती है, यानी बच्चा 2.5 महीने से 4 महीने के बीच में मूवमेंट करने लगता है, तो होने वाला बच्चा लड़की होती है, क्योंकि लड़कियां ही जल्दी गतिविधियां शुरू कर देती हैं, जबकि बेटा पेट के अंदर सुस्त रहता है। और यदि इसके विपरीत आपको 5वें या 6वें महीने के बाद मूवमेंट होना दिखाई दे, बच्चे का हलचल होना दिखाई दे, तो ये लड़का होने का लक्षण होता है। ये लक्षण 80 से 85% तक सही पाया जाता है। यह बहुत से लोगों पर अजमाया हुआ अनुभव बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सही निकलता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर